Now in this class we will be discussing the landmark judgment as far as POCSO is concerned. Shankar Kishan Rao Khade versus State of Maharashtra 2013 Supreme Court. In this case, court laid down certain guidelines with reference to a child who is mentally unstable, and the duty were imposed on the institution where he is housed or she is housed. आपको पता है कि रिपोर्टिंग ऑफ केसेस के अंदर किस किस की ड्यूटीज थी वैसे जो हमने प्रोविजन पढ़े थे, मीडिया स्टेशन, मीडिया और फोटो स्टूडियो और डिजिटल कंपनी और या फिर कोई भी इंसान जिसके सामने आता है, इजंट इट? हाँ, स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन. इस केस के अंदर यह बोला गया था कि जब भी कोई भी मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड के अगेंस्ट पोक्सो के अंदर कोई भी ऑफेंस होगा तो जो इंस्टीट्यूशन उनको हाउस कर रहा है, जो जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो रुके हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फॉर्म करना. रीजन क्या दिया कोर्ट ने, क्योंकि जो मेंटली इंस्टेबल चाइल्ड होता है या डिसेबल्ड चाइल्ड होता है दैट इज मोर वल्नरेबल, क्योंकि वो अपने आप में और ज्यादा वल्नरेबल है. तो उस वजह से क्या होता है कि ये ड्यूटी जिनको भी पता होता है कि बच्चे के खिलाफ ऐसा ऑफेंस होने वाला है या हो सकता है, उनकी ड्यूटी थोड़ी सी और ज्यादा एडवांस्ड होती है और उनको बताना ही पड़ेगा. एंड ऑल्सो यू नो दैट नॉन रिपोर्टिंग ऑफ अ मैटर अंडर द पोक्सो एक्ट इज अ सीरियस क्राइम. इसके अंदर स्पेसिफिकली ये बोला गया था कि जो भी लोग जिनके सामने पोक्सो से रिलेटेड ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आएगी उनको बताना पड़ेगा, और वो अगर नहीं बताते हैं तो दैट इज अ सीरियस क्राइम. और ये ड्यूटी जब ज्यादा और बढ़ जाती है अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल. गॉट माय पॉइंट? अगला पॉइंट है लास्ट सीन थ्योरी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लास्ट सीन थ्योरी इन केस ऑफ पोक्सो एक्ट. लास्ट सीन थ्योरी पता है क्या होता है? जब भी किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल नेचर का ऑफेंस हुआ है अंडर द पोक्सो एक्ट, उस बच्चे को लास्ट टाइम जिसके साथ देखा गया है और ऑफेंस होने में और उसके साथ देखे जाने में अगर कोई बड़ा गैप नहीं है तो इट विल बी डीम्ड दैट द पर्सन सीन लास्ट टूगेदर विद द चाइल्ड इज द कल्प्रिट. ये लास्ट, और उसके पास उस चीज का कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, अगर ये तो बात कब हो गई, जब एलएसटी थ्योरी ये कहती है कि अगर टाइम गैप बिटवीन दी ऑफेंस एंड लास्ट सीन विद द अक्यूज्ड इज वेरी माइन्यूट एंड defense is not giving any proper explanation for the same, in that situation क्या presume किया जाएगा? The person who was seen last with the accused is the offender. इस केस में एक पेच है, इसके ऊपर एक relevant केस है, श्यामलाल घोष versus State of West Bengal 2012 Supreme Court. In this case, it was laid down that if the time gap between the scene when the accused was last seen with the victim and the commission of the offense is huge, or time gap is really very big, then in that situation, LST will not apply. Last seen theory will not apply. क्योंकि लास्ट सीन थ्योरी अप्लाई करने से क्या हो रहा है, वी आर क्रिएटिंग अ प्रेजम्पशन दैट अक्यूज्ड कंसर्न्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस. वी आर क्रिएटिंग अ प्रेजम्पशन दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस. रीजन क्यों है कि आपके साथ ही बच्चे को लास्ट टाइम पाया गया था, उसके तुरंत बाद बच्चे के साथ क्राइम हो गया, या तो आप एक्सप्लेनेशन दे दो कि आपने ये क्राइम नहीं किया, अदरवाइज वी विल प्रिज्यूम दैट यू हैव कमिटेड द क्राइम. श्यामलाल घोष के केस के अंदर यह बोला गया था कि अगर टाइम गैप बहुत ज्यादा है तब उस सिचुएशन के अंदर ये जो एलएसटी थ्योरी है ये अप्लाई नहीं होगी.
अगला जो इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, फातिमा ए एस वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2020 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, दो बच्चों की मां थी और बच्चों की उम्र थी, जो बड़ा था वो लड़का था, उसकी उम्र 14 साल थी और उसकी एक बच्ची भी थी इस महिला की ही, और बच्ची की उम्र थी 8 साल की। ये जो महिला है क्या करती है, ये अपने बच्चों के सामने कपड़े उतार देती है, कपड़े उतारने के बाद अपने बच्चों को बोलती है कि मेरे को नेवल से ऊपर, नाभि से ऊपर मेरे को कलर से पेंट करो, और ये अपने बच्चों से अपने आप को कलर से पेंट भी करवाती है ऊपर तक। देन इन दैट केस जब ये सारा सीन हो रहा है तो इसको वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती है, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद जो हेडिंग देती है वो ये देती है कि बॉडी आर्ट एंड पॉलिटिक्स, उसको हेड जो अपनी वीडियो को जो कैप्शन देती है वो देती है बॉडी आर्ट एंड पॉलिटिक्स। फैक्ट समझ गए क्या है कि मां है दो बच्चों की, लड़का 14 साल का और लड़की है वो 8 साल की, ये अपने दोनों बच्चों को, बच्चों के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और नाभि से ऊपर उन बच्चों को बोलती है कि मुझे कलर से पेंट करो, और उसके बाद ये सारे जब ये सीन हो रहा होता है तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखती है बॉडी आर्ट एंड पॉलिटिक्स। इसके ऊपर केस चलाया जाता है यूज ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्शन सेक्शुअल असॉल्ट। कहां बेटा असॉल्ट में क्या टच हुआ है कुछ, या कुछ चीज कॉन्टेक्ट में आई है? महिला का असॉल्ट थोड़ी ना हो रहा है, तो बच्चे कलर पेंट कर रहे हैं, बताओ क्या लग सकता है? पोक्सो एक्ट के अंदर कैसे लगेगा? और बताओ सेक्शन 13 पढ़ो क्या कहता है, यूज ऑफ चाइल्ड, समझे? यूज ऑफ चाइल्ड फॉर ऑब्सीन एक्ट और पोर्नोग्राफी। ये जब इसके ऊपर इस पॉइंट की एलिगेशन लगी तो इन्होंने अपना क्या मोटिव जाहिर किया, मैं अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के लिए एजुकेट कर रही थी, आई वॉज एजुकेटिंग माई चाइल्ड विद रेफरेंस टू दी सेक्स एजुकेशन। अच्छा कहां पढ़ा था, कल ही पढ़ा था या उस टाइम पहले पढ़ा था जब आया था ये? अच्छा हाँ, बहुत प्रोमिनेंट केस है, 2020 का केस है ना। अच्छा साइबर में भी पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है। तो 67B लगाया होगा इसके अंदर, वो भी लगा था ना आईटी एक्ट का। हाँ आईटी एक्ट का, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि क्या इस लेडी को लगेगा सेक्शन 13 का चार्ज? लगा होगा, क्यों नहीं लगा होगा भाई? दोबारा पढ़ो उस प्रोविजन को, क्या कहता है यूज ऑफ अ चाइल्ड फॉर सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन और स्टार्टिंग से पढ़ो ना। यूजेस, मैंने जब ये प्रोविजन पढ़ाया था याद को, आपको स्पेसिफिकली बताया था ना कि इसके अंदर मेंसरिया कंपोनेंट नहीं है डायरेक्टली, तो वही बात कोर्ट ने भी अप्लाई की। और सबसे बड़ी बात, इस महिला को बोल रही कि मैं अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के लिए एजुकेट कर रही थी। अरे भाई, अपने बच्चों को अपने घर में करो, फिर उसके बाद तुम वीडियो सोशल मीडिया पे क्यों अपलोड कर रहे हो, और साथ में लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बॉडी आर्ट एंड पॉलिटिक्स। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली इसको सेक्शन 13 के अंदर गिल्टी भी करार दिया। और जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके मदर का इंपैक्ट उनकी लाइफ पर सबसे ज्यादा होता है, और यह भी बोला गया है कि मां ही बच्चे को समाज के सामने, वर्ल्ड के सामने लेके आती है, जैसी मां होगी वैसे बच्चे बनेंगे। ऐसा बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेक्शन 13 के अंदर कन्विक्ट कर दिया। शी वॉज हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 13। बेटा इसके अंदर मेंसरिया नहीं है, मैंने चार बार बोल बोल के बताया था कि आपको सेक्शन 13 के अंदर मेंसरिया है ही नहीं। यूज सीधा लिखा है, हूएवर यूजेस चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और पोर्नोग्राफी और क्या लिखा है पूरा पढ़िए इसके अंदर, और लेट मी ओपन द बेयर एक्ट
whoever uses a child in the form of a media including program or advertisement telecast by television channel or internet or any other electronic form or printed form, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or distribution. ये तो इसमें सवाल ही नहीं, क्योंकि उसने सोशल मीडिया में डाल दिया, वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं था. फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड, यूसेज ऑफ चाइल्ड इन रियल और सिम्युलेटेड सेक्शुअल एक्ट, एंगेज इन चाइल्ड इन रियल सेक्शुअल एक्ट, द इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चाइल्ड. मगर यह कहां गया, यूसेज ऑफ अ चाइल्ड एंगेज इन अ रियल सेक्सुअल एक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, विद और विदाउट पेनिट्रेशन की बात है. तो इसके अंदर यह प्रोविजन आया है. यह 2020 का केस है. शुभम विलास तयाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 बॉम्बे हाई कोर्ट, 2018 बॉम्बे हाई कोर्ट. हां जी, केस शुरू करने से पहले आप बताइए कि बच्चे की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी कॉग्निजेंस लेने के अंदर कितने दिन के अंदर की जाएगी, 30 दिन का टाइम दिया हुआ है ना लॉ के हिसाब से, क्या इसमें जज 30 दिन के बाद रिकॉर्ड कर सकता है, क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन अपने रीजंस देने पड़ेंगे. इस केस के अंदर यही हुआ कि जो स्पेशल कोर्ट थी उसने 30 दिन के बाद का ऑर्डर पास कर दिया कि हमें कि हम रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे चाइल्ड विक्टिम की जो पोक्सो के अंदर है उसके 30 दिन. इसके अंदर क्या हुआ, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसने 30 दिन के बाद अप्लाई किया, ठीक है, 30 दिन के बाद उसने अप्लाई किया और कि हम अब बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराना चाहते हैं. और लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल जब भी किसी चाइल्ड विक्टिम का पोक्सो एक्ट के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, लॉ ये कहता है कि वो 30 दिनों के अंदर की जाएगी. कौन सा प्रोविजन, सेक्शन 35, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है, सेक्शन 35 के हिसाब से उसकी स्टेटमेंट 30 दिनों के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी. तो जब कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन आई तो कोर्ट ने उस पर कंप्लाई करवाते हुए रीजनिंग देते हुए ऑर्डर दे दिया कि हां आप बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा सकते हो. जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उसके बाद अक्यूज्ड साइड ने, डिफेंस साइड ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया. डिफेंस साइड चैलेंज्ड द ऑर्डर ऑफ ऑर्डरिंग दैट चाइल्ड स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड इवन आफ्टर 30 डेज. जब उसने चैलेंज किया तो फिर प्रोसिक्यूशन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से काउंटर आर्ग्यूमेंट आया कि जब हम एप्लीकेशन दे रहे थे तब तो इन्होंने चैलेंज नहीं किया, जब आपने ऑर्डर दे दिया है उसके बाद ये चैलेंज कर रहे हैं. नहीं तो इनके पास ग्राउंड था कि जब एप्लीकेशन दी जा रही थी, जब हम अप्लाई कर रहे थे कि हम बच्चे की 30 दिन की स्टेटमेंट के बाद, 30 दिन के बाद बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं, तब उस स्टेज पे चैलेंज कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया तो इसलिए इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट को माना जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दिए, मगर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का केस है बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बोला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि जो सेक्शन 35 है वो कहीं ये रिक्वायर नहीं करता कि 30 दिन के बाद स्टेटमेंट किसी भी हालत में रिकॉर्डेड नहीं हो सकती. सिर्फ एक राइडर दिया गया है, सिर्फ एक प्रिकॉशन दी गई है, और वो प्रिकॉशन क्या है कि जो जज साहब हैं दे हैव टू रिकॉर्ड देयर रीजंस इन राइटिंग कि हम 30 दिन के अंदर बच्चे के एविडेंस को उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो हम क्या आपको रीजंस दे रहे हैं, द कोर्ट हैज टू जस्टिफाई और गिव द रीजंस इन इट्स जजमेंट. अगर वो कोर्ट प्रोवाइड कर रही है तब उस सिचुएशन के अंदर कोई जरूरत नहीं होगी. बिजॉय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2017 कैलकटा हाईकोर्ट, कैलकटा हाईकोर्ट का केस है ये, 2017 कैलकटा हाईकोर्ट. इस केस के अंदर कैलकटा हाईकोर्ट ने राज्य के अंदर जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स हैं और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिनके सामने पोक्सो का कोई केस आता है तो उनके लिए डायरेक्टिव इश्यू किए
कैलकटा हाई कोर्ट इश्यूड डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स और डायरेक्शंस टू बी फॉलोड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एज वेल एज बाय स्पेशल कोर्ट अंडर दी पोक्सो, बाय स्पेशल कोर्ट अंडर पोक्सो के लिए किसी भी चीज की सपोर्ट की जरूरत है तो वो दिया जाए। अगर हम एक्यूज्ड से वो ले सकते हैं कि इन केस उसका क्राइम प्रूफ हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो स्टेट को देना पड़ेगा, बिकॉज इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेलफेयर लेजिस्लेशन है ना पोक्सो एक्ट, और जब भी वेलफेयर प्रोविजन, अब कंपेंसेशन का जो एस्पेक्ट है वो कैसा है, वेलफेयर नेचर का है। आपने जरूर से जरूर जब भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट पढ़ा होगा, अगर कोई आपके सामने एक लेजिस्लेशन है जो पुनिटिव मेजर प्रोवाइड करता है और एक वही दूसरा लेजिस्लेशन है जो वेलफेयर मेजर प्रोवाइड करता है, जो वेलफेयर मेजर का एस्पेक्ट होगा आप उसको हमेशा वाइडर इंटरप्रिटेशन देंगे, और जहां सजा के प्रावधान होंगे वहां उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। जो कंपेंसेशन वाला एस्पेक्ट है कैसा है, वेलफेयर मेजर है, तो इसको कैसी इंटरप्रिटेशन दोगे, वाइडर इंटरप्रिटेशन दोगे। जब हमने प्रोविजन पढ़े थे तो हमने ये बात की थी ना कि स्पेशल कोर्ट शैल एंश्योर दैट चाइल्ड शुड बी कंफर्टेबल ड्यूरिंग द ट्रायल, ये पढ़ा था ना प्रोविजन, तो इसी के रेफरेंस में, इसी को ध्यान में रखते हुए और इसी को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी और क्या बोली, जब बच्चा कोर्ट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने आएगा तो जज साहब अपनी कुर्सी से उठ के नीचे आएंगे, डायस से उतर के आएंगे और बच्चे से बात करेंगे टू मेक हिम फील कंफर्टेबल। द जज शेल स्टेप डाउन फ्रॉम द डायस एंड कम टू द चाइल्ड टू टॉक टू हिम टू मेक हिम मोर कंफर्टेबल। और इससे बढ़ गया, और कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने, कि हो सके तो जज साहब बच्चे को चॉकलेट, टॉफी और मिठाइयां ऑफर करेंगे। दी स्पेशल कोर्ट शेल ट्राई टू ऑफर और गिव स्वीट्स, टॉयज एंड चॉकलेट्स टू द चाइल्ड टू मेक हिम मोर कंफर्टेबल एंड ऑल्सो टू मेक द चाइल्ड बिलीव दैट ही इज नॉट इन अ अथॉरिटेटिव प्लेस, ताकि बच्चे को यह लगे कि वो किसी अथॉरिटी वाली जगह में नहीं है। और इन सारी चीजों का पर्पज क्या है, ताकि जो बच्चे को अपनी स्टेटमेंट देनी है वो फ्री होके, फ्री माइंड से दे सके, जो उसे अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराना है वो बिल्कुल फ्री माइंड से दे सके बिना किसी डर के। एक जो गाइडलाइन और दी इस केस के अंदर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, वो ये बोला कि स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय एविडेंस, स्टेटमेंट बाय चाइल्ड। और ये जब हम प्रोविजन पढ़ रहे थे हमने भी देखा था ना कि अक्यूज्ड को बच्चे के समक्ष बिल्कुल नहीं लाया जाएगा, उसका सामना नहीं कराया जाएगा, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि विक्टिम और प्रोसिक्यूशन, मतलब विक्टिम और एक्यूज्ड को आमने सामने होना बहुत जरूरी है, मगर जो पोक्सो के केस है उसके अंदर क्या होगा कि जो अक्यूज्ड है और बच्चे का बिल्कुल भी आमना सामना नहीं कराया जाता। हालांकि एक्यूज्ड के रेफरेंस में क्या गाइडलाइन ली हुई है लॉ के अंदर कि बच्चा ना देख पाए, मगर आपको एट द सेम टाइम यह इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चा जो बोल रहा है उसको एक्यूज्ड सुने और अपने लॉयर के साथ भी कंसल्ट करें, यह बात तो प्रोविजन में बोल दी है, ठीक है। तो यही, इसी पॉइंट को थोड़ा सा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह बोला कि स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस विल नॉट अप्लाई, जो कहीं ना कहीं हमारी इस पोक्सो एक्ट के अंदर ही बोले गए कि एक्यूज्ड का और बच्चे का आमना सामना नहीं कराया जाएगा। और इसके साथ साथ ये कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट शैल एंश्योर दी चाइल्ड सेफ्टी एट एनी कॉस्ट, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो बच्चे की सेफ्टी को एंश्योर करेगी हर स्टेप पे। स्पेसिफिकली दी एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल इंटीग्रेसीज इंट्री केसेस विद रेफरेंस टू दी पोक्सो एक्ट वर डिस्कस्ड इन दिस केस।
इस केस के अंदर सेशन कोर्ट ने सेक्शन 3 और 4 जो पोक्सो एक्ट का है उसके अंदर एक्यूज्ड को सजा दी थी। 3 और 4 किसके बारे में बात करते हैं? सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मतलब कुछ चीज अंदर गई हुई है, ठीक है, पेनिट्रेशन की बात है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो, बॉडी पार्ट हो, पेनिस हो, और उसके अंदर या तो अक्यूज्ड ने बोला हो, अक्यूज ने बच्चे को फोर्स करके अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर, हाँ, या फिर बच्चे को फोर्स किया हो, या फिर बच्चे के में इंसर्ट किया हो, कुछ भी। तो उस वजह से हमने क्या निकाला था कि एक फीमेल भी इस ऑफेंस के लिए लायबल हो सकती है अगर वो एक मेल चाइल्ड को फोर्स कर रही है कि ही इंसर्ट हिज पेनिस इनटू द वजाइना, एनस और यूरेथ्रा ऑफ दैट कंसर्न्ड फीमेल, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने की बात करे। तो इस ऑफेंस में अभी हम फीमेल, यहां पर एक्यूज था वो मेल ही था, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस केस के अंदर सेशन कोर्ट ने जज अक्यूज्ड को गिल्टी करार दिया था अंडर सेक्शन 3 और 4। सेक्शन 3 के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइंड है और 4 के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट है। जब ये मैटर हाई कोर्ट के सामने आया तो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया इस कन्विक्शन को, और किस ग्राउंड पे सेट असाइड दी कन्विक्शन। हाई कोर्ट ने ये रीजन दिया, देयर वर नो मार्क्स ऑफ इंजरी ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम हु वाज 14 इयर्स ऑफ एज। मगर इस केस के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि बच्चे ने पोडियम पर आकर जब अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा था, द गर्ल चाइल्ड हैज स्पेसिफिकली सेड दैट अक्यूज्ड हैज रूथलेसली रेप्ड हर। द अक्यूज्ड हैज रेप्ड हर, ये स्टेटमेंट थी बच्चे की। मगर उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर अक्यूज्ड को सेट असाइड कर दिया, कन्विक्शन को सेट असाइड किया। इसके बाद अब जो मेन जो कोर्ट की रीजनिंग शुरू होती है, अब होती है, कोर्ट ने बोला कि बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क्स ऑफ इंजरी नहीं है, यह कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। ये सेक्शन सेक्सुअल असॉल्ट कहां पर डिफाइन किया गया है? हमारा नॉर्मल सेक्शन 7 के अंदर ना, और उसकी पनिशमेंट सेक्शन 8 के अंदर दी गई है। मगर यहां पर एक्यूजेशन किसकी लगी थी? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए आपका कुछ ना कुछ मार्क्स ऑफ इंजरी या कुछ तो होना चाहिए ना। तो कोर्ट ने सेक्शन 3 और 4 की कन्विक्शन को सेट असाइड किया और कहां पर ले गए? सेक्शन 7 और 8 के अंदर, ठीक है। और कोर्ट ने एक बात ये और बोली कि जो बच्चा होता है ना, जो 18 साल से कम उम्र का होता है, वो दैट इज इजीली ससेप्टिबल टू ट्यूटरिंग, या फिर जिसको बहला फुसलाकर कुछ भी बुलाया जा सकता है। हो सकता है केसेस के अंदर जब किसी बच्चे, किसी माँ बाप के बच्चे के साथ अगर पोक्सो के अंदर अगर कोई छोटा भी अपराध हुआ होगा ना, तो उसका माँ बाप रिवेंज लेना चाहेगा कि बड़े से बड़ा सजा मिले जिस भी इंसान ने उसके बच्चे के साथ ऐसा घृणित कार्य किया है। मगर लॉ तो लॉ के हिसाब से चलता है ना, हमारी हवाबाजी के हिसाब से तो नहीं चलता ना, हमारी इंटेंशन के साथ से। अगर आपके बच्चे को छुआ है तो आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कैसे पनिशमेंट दे सकते हो? तो कोर्ट ने यही बोला कि जब भी कोई बच्चा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने आएगा पोक्सो एक्ट के अंदर, तो हमेशा आपको ये देखना है कि उसकी स्टोरी ट्यूटर्ड तो नहीं है, या उसको बहला फुसला के कुछ हुआ नहीं है, कुछ और बोलने के लिए बोला जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे के साथ ऑफेंस नहीं हुआ है, इसीलिए हमने सेक्शन 7 और 8 लगाया, जिसके लिए जो ये कहता है कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कोई मार्क्स ऑफ इंजरी वगैरह की जरूरत नहीं है। मतलब इस केस के अंदर कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला कि ये एंश्योर करना होगा कि स्टोरी कंकॉक्टेड तो नहीं है, बच्चे को ट्यूटर करके लेके तो नहीं आए गए, क्योंकि जब भी किसी माँ बाप के बच्चे के साथ ऐसा ऑफेंस होता है तो माँ बाप की हमेशा ये इंटेंशन होती है कि जो अपराधी है उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। मगर हमारा कानून क्या कहता है? जो अपराध हुआ है सिर्फ उसकी सजा देंगे। हमने अपनी एंड्रॉइड ऐप पर ऑनलाइन जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। आप इस बारकोड को स्कैन करके एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको
हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम का हमने एक मास्टर ऑनलाइन जुडिशरी बैच चलाया है, आप उसको वहां एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, लाइव सेशंस भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, नोट्स भी अवेलेबल होंगे, मॉक इंटरव्यूज भी कराए जाएंगे और इसके साथ साथ आपका जजेस का इंटरेक्शन भी कराएगा। जो कुछ भी हो सकता है आपकी कंप्लीट जुडिशरी की तैयारी कराने के लिए, वो सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। दोस्तों इसकी इस कोर्स की फीस 25,000 है और पूरे एक साल के कोर्स की फीस है, जिसको आप चाहे तो एक मुश्त दे सकते हैं या फिर पेमेंट गेटवे पर आपके पास, जब आप पेमेंट पेज पर जाएंगे तो आपके पास इजी ईएमआई का भी ऑप्शन है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो जरूर से जरूर दून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां आपको हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, और चाहे तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।